अब यही वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है। दूसरा तरीका क्या है इसको माइंड में रखने का? अच्छा, जो स्टेप्स क्या हैं वो ब्रीफ में, इंट्रोडक्शन में आपने ये तीन चार आइडिए के एंशियंट वेस्टर्न एजुकेशन, उसमें ब्यूटी एंड परफेक्शन, यूनिवर्सल आइडिया और ट्रुथ, ये वाली बातें करनी है। इसको याद रखने के लिए आप बट भी लिख सकते हो, ये BUT है ना, ब्यूटी, यूनिवर्सल आइडिया एंड ट्रुथ, याद रखने के लिए। नेक्स्ट है जो मॉडर्न थिंकर हैं एजुकेशन के, वेस्टर्न के, तो ये चार हैं, इनके लिए मैंने याद रखा था लाइफ च, मतलब लाइफ विच, एजुकेशन एज ए लाइफ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एंड सी फिर से दोबारा है कैरेक्टर कल्टीवेशन, और एच से है ह्यूमैनिटी। ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गई, ये सेंट्रल आइडिया है। और उसके बाद एटिमोलॉजिकल मीनिंग देना है, इनको थोड़ा सा मेरे ख्याल में बड़ा कर लें। एटिमोलॉजिकल मीनिंग में लतीनी भाषा के पहले शब्द रखे गए हैं, सियर, सियर को याद रखा था हमने क्योंकि लैटिन भाषा से एल थे था, ये लीड हो गया, डी से ड्रा आउट हो गया, केयर से नॉरिश साफ है, एजुकेटम की टी को याद रखा था, ट्रेनिंग और टीचिंग इसका मीनिंग है, लैटिन भाषा का शब्द, मूल शब्द जिसके ये मतलब है, एजुकेटस यू एस यू अप कर दिया था, ब्रिंग अप मैंने ऐसे याद रखा था, एजुकेटो ब्रीड, ये आई जो थी ऐसे ओ करके बी बन गई, ब्रीड ऐसे याद रख लिया, ब्रीडिंग प्रजनन करना। और भाषा से कुछ शब्द हैं, जैसे कि लैटिन भाषा से मॉर्फोलॉजी में से एक और है, ई फॉर इनसाइड और डूको मीन डेवलप, इनसाइड डेवलपमेंट करनी। अरेबिक का तलीम शब्द जो जिम से है, जिम का ज से नौ ल, ज ज का ज से जैसे जोड़ लिया। ग्रीक शब्द को पेडागोजी को कई बार एजुकेशन के तौर पर एक्सप्लेन किया जाता है, तो पेडागोजी का पेडोस जिसका मतलब चाइल्ड, और एगोस जिसका मतलब लीडर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब मेन पॉइंट आ गए हैं, मेन पॉइंट को याद करने के लिए सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है, स्टार फिश छोटा कर लूं थोड़ा, और वो सेंटेंस क्या बनाया है, सेंटेंस बनाने से पहले आपको उसकी बैकग्राउंड बता दूं, स्टारफिश क्या होती है, स्टारफिश, ये स्टारफिश होती है। दूसरा एक पार्कवे होता है, पार्कवे जो इधर भी पार्क है जहाँ हरियाली है, फूल लगे हैं, ट्रीज लगे हैं, और बीच में बड़ा अच्छा रास्ता है, इसको पार्कवे बोलते हैं, ह्यूमन ने ये बनाया है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ह्यूमन पार्कवे, और ये स्टारफिश है। अब आप स्टारफिश को ये कह रहे हो, ये पॉइंट्स याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं, अगर आपको ठीक लगे तो अपनाना है, अदरवाइज नहीं। तो ये सेंटेंस आपने बोलना है, इनको कह रहे हो प्लीज स्टारफिश दीदी, प्लीज ह्यूमन पार्क वे को मेंटेन रख लेना, इतनी बात है। तो इमेज आप इजी कर देती है इसलिए रखी है, आपने कुछ नहीं बनाना इसका, प्लीज स्टारफिश दीदी प्लीज ह्यूमन पार्कवे को मेंटेन रख लेना, जो जो कैपिटल लेटर है उनके पॉइंट बनेंगे। सबसे पहले प्लीज के पी को उठाया है, वो बन गया प्लेटो, पहला पोर्शन मैं रखा है प्लीज स्टारफिश दीदी, प्लीज फिर भी लिख सकते हो आप, इतने ही आपके लिए काफी हो जाएंगे। पी के प्लेटो बन गया, प्लेटो से प्लेयर और पेन, ब्यूटी एंड परफेक्शन, ये इनका सेंट्रल आइडिया है, सिर्फ सेंट्रल आइडिया को भी कैसे याद रखना है ये रखा है। सुकरात को याद किया था, सुकरात के एस को, सुकरात को सार्वभौमिक विचारों का उजागर करने वाली शिक्षा, प्लीज स्टार एस टी टी आ गया। थॉमसन, थॉमसन का किया था हमने एनवायरमेंटल इंपैक्ट। नेक्स्ट है एस टी ए, ए से एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का क्या, एस को उठाया, साउंड माइंड लिव इन ए साउंड बॉडी, एस से ही हिंदी का स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है, इसको एजुकेशन ऐसे कह रहे हैं। एस टी ए आर, आर से हो गया रूसो, रूसो का उठाया ई, ये वाला अर्ली एक्सपीरियंस, और इसी के ए या ई से अनुभव के रूप में शिक्षा को देखना है रूसो का। रूसो की नेगेटिव एजुकेशन की बात कर सकते हैं आप, कि बुक्स को उन्होंने रीड करने के लिए नहीं कहा, बच्चे को प्लेयर देने के लिए कहा, और इमाइल की बात कर सकते हो जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और एजुकेशन कैसी होनी चाहिए उसने बात की है, इमाइल उनकी बुक का नाम है जो अक्सर पूछा जाता है। एस टी ए आर स्टार फिश, एफ से फ्रॉबल, फ्रॉबल का हम उठाएंगे एफ,
एफ से क्या है फोल्डिंग फोल्डमेंट एजुकेशन एज अनफोल्डमेंट ऑफ पोटेंशियलिटीज क्षमता का प्रगटीकरण करना अच्छा है। फिश का एफ आई आई से कुछ नहीं है। अच्छा फ्रॉबल के जो फ्रॉबल गिफ्ट जहां टॉय एजुकेशनल टॉयज की बात कर सकते हैं उनकी बात आप कर सकते हैं कि इन नेट पोटेंशियलिटीज को डेवलप करने के लिए फ्रॉबल ने ये ऐसे टॉय वुडन टॉय दिए हैं इनकी बात हो सकती है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है गिफ्ट जो है। अच्छा फिश एस एच आई का कुछ नहीं है खाली है। एस का स्पेंसर है स्पेंसर से सिनोनिमस विद कंप्लीट लिविंग एस से संपूर्ण जीवन का पर्याय है समानार्थी है। फिश एस एच एच से है हॉर्ने हॉर्ने को मैंने हॉर्न बनाया था। हॉर्न क्या है एक डिवाइस है ना डिवाइस उपकरण जिसके द्वारा हम सामाजिक समूह और अपना अस्तित्व जारी रखते हैं है ना बाई विच सोशल ग्रुप कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस। क्या था टोटल याद रखा प्लीज स्टारफिश दीदी प्लीज है ना दीदी डी 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 आ गया जी से जॉन डीवी की परफेक्ट डेफिनेशन एजुकेशन इज नॉट प्रेपरेशन फॉर लाइफ बट एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ के रियल एक्सपीरियंस जो है क्लासरूम में देने चाहिए लाइफ को ही क्लासरूम में ले आना चाहिए। लाइफ एजुकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल सब कुछ इकट्ठी है कंटिन्यूअस है। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन इसने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया कंट्रोल्ड कंडीशन पर है ना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन एजुकेशन एज मल्टी फेसेड सोशल प्रोसेस सेंट्रल आइडिया है शिक्षा शब्दकोश और बहुआयामी है। तो डिक्शनरी के क्योंकि डी से डीवी था डी से डिक्शनरी और इसके कंट्रोल्ड कंडीशन में एनवायरनमेंट में मल्टी फेसेड सोशल प्रोसेस को चेंज करने की बात की है। नियंत्रित वातावरण क्या था प्लीज स्टारफिश दीदी प्लीज फिर पी आ गया पहले प्लेटो था अब पेस्टोलॉजी है। पेस्टोलॉजी के पी को उठाना है पी को उठा के प्राकृतिक से हिंदी में भी जोड़ सकते हो याद कर सकते हो पी का पेस्टोलॉजी है। पेस्टोलॉजी को प्राकृतिक विकास के रूप में एजुकेशन ऐसे भी देख सकते हो हिंदी में और इंग्लिश में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इननेट पावर्स ये भी बात कर सकते हो नेचुरल वर्ड ऐड कर सकते हो। जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास तो यहां तक प्लीज स्टारफिश प्लीज एब्रिवेशन वाले पॉइंट खत्म हो गए हैं। आगे है ह्यूमन पार्कवे को मेंटेन रख लेना ह्यूमन एच एच से हर्बर्ट हर्बर्ट हरियाली अच्छी होती है गुड मॉरल करेक्टर ऐसे याद रखा था अच्छे नैतिक चरित्र के लिए शिक्षा। यू से यूलिच यूलिच के सी से कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट फीडबैक की बात की थी जब हमने डिटेल में पढ़ा था टीचर एंड स्टूडेंट में लगातार निर्देश के रूप में शिक्षा। ह्यूमन एम मोंटेसरी मोंटेसरी ने नेचुरल चाइल्ड सेंटर की बात पहले नहीं आई चाइल्ड सेंटर की बात अभी आई है। फ्रॉबल और मोंटेसरी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के पिता एक तरह से कहे जा सकते हैं ये सीधा है। उन्होंने भी प्रकृति की बात की थी मोंटेसरी इन्होंने भी प्रकृति की और पेस्टोलॉजी ने प्रकृति की भी बात की थी। पेस्टोलॉजी को फादर ऑफ मॉडर्न पेडागोजी भी कहना है बाल केंद्रित। ह्यूमन का एम एम एक और भी है ये भी याद रख सकते हैं मैन या मान साहब भगवंत मान साहब दी ग्रेट ऐसे याद रखा था मान ग्रेट इक्वलाइजर ऐसे याद रखा था ग्रेट इक्वलाइजर इक्वलाइजर जब आ गया इट मीन शिक्षा महान तुलना कारक के रूप में तो ये समानता की सामाजिक समानता की बात करेगी सामाजिक शोषण इन इक्वालिटी को खत्म करने की डेफिनेशन बात करेगी। ह्यू एम ए एन एम दो आ गए थे ए एन एडम एडम को कैसे याद रखा था आ दम ये दो एक हो गया दूसरा ये हो गया ये कौन हो गया टीचर हो गया और ये कौन हो गया स्टूडेंट हो गया इट मींस दो जनों की बात जो करती है एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस बाइपोलर सिस्टम एजुकेशन एज बाइपोलर द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में नन को याद किया था इनका यू उठाया था ह्यूमन एन आ गया ना तो यू याद किया था यू को
याद रखने के लिए यूनिकनेस, जहां भी यूनिकनेस वर्ड आता है वहां इंडिविजुअलिटी की बात होती है और वहां पर क्रिएटिविटी की, पोटेंशियल की, ओरिजिनलिटी की बात होती है। तो व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा, जो वर्ड बोले हैं उनके साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ह्यूमन खत्म हो गया, आगे आ गया पार्कवे। पार्कवे में प्याजे जो है, प्याजे की आई हमने उठाई थी, ये रही प्याजे की आई और ये बन गया इनोवेशन। इनोवेशन का दूसरा मतलब नजदीकी मीनिंग क्रिएटिविटी भी है। क्रिएटिविटी क्योंकि रिपीट हुआ था इसलिए मैंने इनोवेशन के साथ जोड़ा है, है ना। तो प्याजे ने कहा था कि एजुकेशन वो नहीं है कि किसी बात को दोहराते जाना, नई बात, नई सोल्यूशन, नया कुछ करना, रचनात्मकता और नवाचार के लिए शिक्षा होनी चाहिए। तो ये डूइंग पर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर, रिफ्लेक्शन पर, थिंकिंग पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जोर देती है। एडलर, एडलर को कैसे याद रखा था, हिटलर, है ना, हिटलर। हिटलर क्या चाहता था, पावर। ये रही पावर, पावर के साथ मेंटल पावर जो है, कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है, उनकी बात है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग पावर्स, शक्तियों और क्षमताओं का विकास करने के लिए। अच्छा, अरेमंट, पार्कवे, पी ए आर के, आर से रे, रे होती है किरने, किरने कंटिन्यू चलती है, लाइफ लॉन्ग। तो ऐसे याद रखा मैंने लाइफ लॉन्ग। आजीवन विकास के रूप में शिक्षा, जो इन्फेंसी से मैच्योरेशन तक, है ना, जिसमें सभी एस्पेक्ट, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट शामिल है। शैशव, बचपन से परिपक्वता तक जो शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है वो एजुकेशन है इनके अनुसार। कांत, कांत का इम्यून याद रखा था, आई से था इंटेलेक्चुअल, एम से था ये रहा मॉरल, है ना, हाई एम। तो कांत ने बौद्धिक और नैतिक विकास पर जोर दिया है जब शिक्षा की डेफिनेशन दी है। वाइट हेड, वाइट हेड क्या है, ये एक हेड है जो वाइट है, जो और इसको यूज करना है अप्लाई करने के लिए। मुझे ऐसे ही याद रखा था, इट मीन्स ये एप्लीकेशन पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देती है। ऐसी नॉलेज जो यूटिलिटी बेस्ड है, एजुकेशन एक्विजिशन ऑफ आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग नॉलेज। दूसरा, आप वाइट हेड के एच ई ए ए को उठा के आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग नॉलेज ऐसे भी याद रख सकते हैं, ज्ञान का उपयोग करने की कला। एडम की दूसरी परिभाषा भी है, एडम एम्पावरमेंट से जोड़ सकते हैं साथ में ही। और यीट्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यी है ना, ऐसे ये एक बाल्टी की तरह है, इसको ऐसे बाल्टी बना लो यू की तरह। तो वो कहते हैं एजुकेशन नॉट फिलिंग द बकेट, बाल्टी बनानी है जब बकेट बना लो, इसको बकेट समझ लो, है ना, बकेट। बट लाइटिंग फेयर, बकेट कौन सी है, ये दिमाग जो है, इंफॉर्मेशन से, बुक्स से, मेमोराइजेशन से, इससे नहीं फिल करना, कचरे से, फैक्ट से फिल नहीं करना, इसको लर्निंग के लिए ऐसा तैयार करना है कि लर्निंग को लव करने लगे बच्चा और खुद ब खुद सीखे। क्रियोसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ये। अब हमने क्या कर लिया, पार्क, पी ए आर के डब्ल्यू ए वाई, पार्क वे हो गया। नेक्स्ट है को मेंटेन रखना। को क्या है, को ध्वनि से है, जो कम्युनिस्ट है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है, ये बात बता सकते हैं कम्युनिस्ट, है ना। और एम से इनकी, एम से ही ह्यूमैनिटी याद है, आप किसी तरह से ये जॉन साथ में याद रख सकते हो, जॉन के ह्यूमैनिटी पर, मानवता के लिए आवश्यक है इसे शिक्षा। इंपॉर्टेंट छोटी डेफिनेशन है, एजुकेशन इज द ट्रू फॉर्जिंग प्लेस ऑफ ह्यूमैनिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये छोटी करके मैंने दी है, मार्टिन का आई उठाया है, आई से इंटेंसिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एक तो ये बात है, दूसरा है इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार शब्द यूज करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस परिभाषा को, रचनात्मक सोचना, गहन सोचना और बुद्धिमत्ता और चरित्र। नेल्सन मंडेला, एम और इसको उल्टा किया, वेपन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड, दुनिया को बदलने के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। नेचुरली सोशल इनजस्टिस को, इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए इन्होंने यूज किया था। मेलकॉम, एयरपोर्ट एकदम याद आ जाता है मेरे को, मेलकॉम एक्स, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर क्या चाहिए, पासपोर्ट। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, टुमारो बिलोंग टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टूडे, शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, कल उनका
होता है जो इनकी आज तैयारी करते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी कोटेशन, कई जगह ये यूज हो सकती है। लॉक क के इसको उठाया और कल्टीवेटिंग करेक्टर है ना, इसको याद कर लिया। तो कंक्लूजन में आप एजुकेशन एज लाइफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करेक्टर के लिए एजुकेशन पावर कैपेबिलिटी इननेट पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए नेचुरल प्रोसेस, ये बातें करके आप कंक्लूड कर सकते हो। इंडियन एजुकेशन कंसेप्ट की तरह कई थिंकर्स ने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया है, ये बात हो सकती है। मोस्ट जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर देता है वेस्टर्न कंसेप्ट। तो इतनी डेफिनेशन मैंने क्यों दी, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है कोई ना कोई ये डेफिनेशन उसमें पूछी गई है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। उसके जो डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं वो नीचे लिंक होगा, देख सकते हो आप। और पिछले जो आ चुके हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन, उसका भी लिंक नीचे है, वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सजेशन फीडबैक जरूर हो, मेरी नेगेटिव आस्पेक्ट मुझे जरूर बताना। थैंक यू।